आज मैं बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन की रेमेडी की, जो कि मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने से हमारी झाइयाँ जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? आपको तुरंत तो लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, आपका फेस ग्लो करने लगता है, आपके जो पिगमेंटेशन होती है, जो स्पॉट होते हैं पिगमेंटेशन के झाइयों के, वो आपको लगता है कि ख़त्म हो गए हैं, आपका फेस शाइन करने लगा है, आपका फेस ग्लोइंग हो गया है। लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट बंद करते हो, वैसे ही आप देखते हो कि आपके फेस पे जितनी झाइयाँ पहले थीं, जितने पिगमेंटेशन के स्पॉट पहले थे, उससे भी ज़्यादा इस बार हो चुके हैं। क्योंकि जो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हो ना, वो जो भी आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं वो सभी केमिकल वेस्ट होते हैं, और जो दवाइयाँ आपको खाने के लिए देते हैं, टैबलेट्स जो खाने के लिए देते हैं, ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं हमारी बॉडी पर। तो हमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है अगर हमें सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। झाइयाँ कहते हैं कि एक बार अगर फेस पे आ जाए तो कभी जाती नहीं है, लेकिन अगर आपने सही वक्त से अगर सही ट्रीटमेंट ले लिया तो ऐसा नहीं है कि झाइयाँ कभी जाती नहीं है। झाइयाँ भी बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी। आपको नेचुरल रेमेडी यूज़ करना है, नेचुरल तरीके से उनको ठीक करना है। तो आज मैं वही नेचुरल रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आप अपनी पुरानी से पुरानी झाइयों को ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आप अपनी पुरानी से पुरानी झाइयों को ठीक कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि डॉक्टर के पास ना जाके आपको नेचुरल चीज़ों को यूज करना है, जिसमें मैं आज बताऊंगी कि आप कैसे नेचुरल चीज़ों के थ्रू एक रेमेडी तैयार कर सकते हो और उसको अपने फेस पे यूज करके अपने झाइयों को, अपने पिंपल्स के दाग धब्बों को, अपने फेस के कालेपन को कैसे दूर कर सकते हो, अपने फेस को कैसे आप ग्लोइंग बना सकते हो, कैसे आप बेदाग बना सकते हो, कैसे आप झाइयों से मुक्ति पा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक आलू लेना है मीडियम साइज़ का, और उसको अच्छे से धो लेना है और छील लेना है। उसके बाद उसको आप ग्रेट कर लीजिए, और ग्रेट करने के बाद आप या कपड़े से, छलनी से, हाथ से, जैसे आपको इजी लगे, उसका हमें जूस निकालना है। बहुत ही इजीली इसका जूस, अगर आप इसको हाथ में लेके पल्प को और ऐसे दबा दोगे तब भी इसका जूस बहुत ही इजीली निकल आता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको दबाया भी नहीं था, क्योंकि बस जिसकी जितने की ज़रूरत थी उतना निकल आया था, तो बहुत ज़्यादा दबाने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत इजीली जूस निकल आता है। फिर जितनी मात्रा में हमने आलू का जूस लिया है, उतनी ही मात्रा में हमें चाहिए नींबू का रस। तो यहाँ पे हमने नींबू का रस भी इसमें ऐड कर लिया है, और ये जो रेमेडी है हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो हमारी रेमेडी तो हो गई है रेडी, अब हमें इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को यूज करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी रिजल्ट में, उसका जो रोल होता है ना, वो हमारे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम किसी चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो हमें कैसे यूज़ करना है, एक आपको कॉटन लेना है और कॉटन की बॉल बना लेना है, यानी कि कॉटन को बस इकट्ठा कर लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको इसमें डिप करना है, और मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से, और फिर डिप करके फिर इसको आप निचोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं आपको एकदम से लेना है, और बस इस तरीके से आपको पूरे फेस पे लगा लेना है। इस तरीके से आपको पूरे फेस पे लगाना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जो आपको नुकसान करे, जो आपको साइड इफ़ेक्ट करे, आपकी झाइयों की प्रॉब्लम ठीक हो और आपको दूसरी प्रॉब्लम दे दे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसको यूज करिए, डेली यूज करिए। तो देखिए, किसी भी चीज़ को हमें कंटिन्यू यूज करना होता है, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इसको यूज़ किया, फिर 10 दिन बाद यूज़ किया, फिर 15 दिन बाद यूज़ किया, फिर आप मुझे कमेंट करें कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए, आपको डेली यूज़ करना है और डेली दिन में दो बार आप यूज़ करें तो बहुत ही बेटर है। तो अगर आपको नींबू से कोई प्रॉब्लम होती है, नींबू से जलन होती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं और नींबू की जगह आप इसमें जैसे एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लगा लिया आपने, फिर आपको अपने हाथों को थोड़ा सा डिप करना है, दोनों हाथों को डिप करिए और इस तरीके से 2 मिनट बस मसाज दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट केवल मसाज दे दीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी कुछ ही दिनों में जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो रही हैं और आपका फेस धीरे धीरे ग्लोइंग हो रहा है। गर्दन को कभी भी स्किप मत करिएगा, कभी भी मत छोड़िएगा, और गर्दन की हमेशा आपको जो मसाज है वो इस तरीके से करना है। फेस की आपको हमेशा अपर डायरेक्शन में करना है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज की रेमेडी बहुत ही आसान सी थी, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा गजब के हैं। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट दिखेगा। 4 से 5 बार के यूज़ में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और बहुत ही आसान सी रेमेडी है, 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेमेडी। आपके ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं हर घर में अवेलेबल होते हैं, हर समय अवेलेबल होते हैं। तो आलू, सभी जानते हैं कि आलू जो होता है ना, ब्लीच का काम करता है। आलू हमारे दाग धब्बों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यूज करिए और अपने फेस को शाइनी बनाइए, ग्लोइंग बनाइए, अपने फेस को बेदाग बनाइए। मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स के थ्रू एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हजारों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे और बस 10-5 दिन के लिए ही आपको लगेगा कि हमारा फेस ठीक हो गया है, फिर उसके बाद पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं हमारी, इनका हमारा कोई मतलब हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनका भले ही हमें जो फ़ायदा मिलता है वो स्लोली मिले, लेकिन हमें कोई नुकसान इनका नहीं होता है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, और यूज करिए, अपने फेस को ग्लोइंग बनाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेमेडी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।